मोइन, क्या जानकारी मिल रही है इस खबर को लेकर? क्या जो जानकारी है, क्या जो खबर है, वो साझा की जा सकती है मीडिया के साथ, क्योंकि पुलिस कमिश्नर की तरफ से बुलाया गया है? क्या है? हेलो जी, बिल्कुल बताएं आपको, उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। पुलिस की जो टीम है वो इस वक्त अतीक अहमद के उस दफ्तर में छापेमारी कर रही है, जो दफ्तर तकरीबन 2.5 साल पहले बुलडोजरों से गिराया जा चुका है उस हिस्से को। और यहां से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक दफ्तर का जो पीछे का हिस्सा था, जो जिसे तोड़ा नहीं गया था, उसमें जो है कुछ कैश पैसे बरामद हुए हैं, कई वेपन्स बरामद हुए हैं। और देखिए ये जो है कई 1, 2, 3, 4, 5, 10 पिस्टल जो है, 11 पिस्टल यहां से बरामद हुई हैं और भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है अतीक अहमद के दफ्तर से। और दो लोगों को पकड़ा गया है यहां पर पुलिस ने, और एक ये बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली हुई है। और इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये पुलिस की कार्रवाई चल रही है, और हम सीधी तस्वीरें एबीपी के जो दर्शक हैं उनको दिखा रहे हैं। उस कमरे में हम चल रहे हैं सीधे तौर पर जहां पर पुलिस ने छापेमारी करके ये कैश पैसे और जो पिस्टल है उसे बरामद किया है। तो अतीक अहमद के दफ्तर से ये बरामदगी हुई है, दो लोगों को पकड़ा गया है यहाँ से, और ये बड़ी संख्या में देख सकते हैं आपकी भारी मात्रा में यहाँ से ये कैश बरामद हुआ है। इसके साथ साथ जो है वो 11 वेपन्स बरामद हुए हैं, दो लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। और ये दो लोगों आपको सीधे तौर पर हमारी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, पुलिस कमिश्नर यहाँ पर खुद मौजूद हैं, इसके साथ साथ डीसीपी नगर जो हैं दीपक भूकर वो मौजूद हैं, दूसरे जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। और ये ज़मीन में आप देख सकते हैं कि ये जो है भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। ये 2-2 हज़ार रुपये के ये नोट हैं, 200 रुपये के नोट हैं, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पिस्टल हैं, और इसके साथ साथ मैगजीन हैं और कारतूस हैं, और बाकी जो वेपन्स हैं वो हैं यहाँ पर, और इसके साथ साथ कुछ मशीनें भी हैं वो हम देख सकते हैं सीधे तौर पर यहाँ पर। और ये दो लोग यहाँ पर पकड़े गए हैं, आप देख सकते हैं कि पुलिस की कस्टडी में है, प्रयागराज पुलिस की कस्टडी में है। ये पैसे यहाँ पर कैसे आए, ये वेपन्स यहाँ पर कैसे आए, कौन लोग हैं और किस तरीके के जो है ये गतिविधियाँ यहाँ पर चल रही थी, अब से कुछ देर में जो पुलिस कमिश्नर हैं यहाँ पर वो जानकारी देंगे, वो बताएंगे हमें कि आखिरकार इसका उमेश पाल शूट आउट केस से क्या लेना देना है। और ये जो वेपन्स हैं, क्या यही वेपन्स उस शूट आउट केस में इस्तेमाल किए गए थे? तो अब से कुछ देर के बाद पुलिस की ब्रीफिंग होगी और पुलिस की ब्रीफिंग में ये जानकारी दी जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त है कि यहाँ पर अतीक अहमद के ऑफिस से, और ये आपको बता दें कि आगे का हिस्सा जो अवैध निर्माण था उसे तोड़ा गया था, 2.5 साल पहले बुलडोजर कार्रवाई हुई थी, बुलडोजर कार्रवाई में आगे का हिस्सा तोड़ा गया था, और ये पीछे का हिस्सा है, और ये अतीक अहमद का चैम्बर है जिसमें अतीक अहमद जब जनप्रतिनिधि होता था, सांसद था, विधायक था, तो इसी कमरे में चैम्बर था, इसी कमरे में वो बैठता था। और ये पुराने सोफे भी पड़े हुए हैं जो इन्हें आप देख सकते हैं। तो भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है, देखिए 500 रुपये की नोट हैं, 200 रुपये के पूरे बंडल हैं, और ये वेपन्स हैं, 10 पिस्टल यहाँ पर हैं, ये हैं, साथ साथ जो है ये कारतूस हैं तमाम, और दो लोगों को पकड़ा गया है। तो प्रयागराज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, लेकिन ये किस तरीके का रोल था, क्या कुछ हुआ है, ये साफ होना अभी बाकी है। अब से कुछ देर के बाद जो पुलिस है वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और मीडिया ब्रीफ करके जानकारी देगी कि आखिरकार यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो अतीक अहमद के ऑफिस से ये बरामदगी हुई है और बड़ी बरामदगी, और देखिए ये जो बैग है काले रंग का, इसी के अंदर ये कैश जो है वो रखा गया था, और वो जो आप देख रहे हैं कि एक दूसरा बैग है काले रंग का, इसके अंदर जो वेपन्स हैं ये वेपन्स रखे गए थे। तो ये एक बड़ी कामयाबी है जिसे आप देख सकते हैं। और देखिए ये जो अधिकारी हैं वो ये अनुरोध कर रहे हैं मीडिया से कि वो बाहर की तरफ आ जाएं ताकि आगे की जो कार्रवाई है उसे किया जा सके, और थोड़ी देर के बाद ब्रीफिंग होगी, ब्रीफिंग में ये जानकारी दी जाएगी। और ये सामने आप देख सकते हैं कि दो लोग हैं, जो दो लोग पकड़े गए हैं यहाँ पर, इन दो लोगों को पकड़ा गया। और ये जो दफ्तर है, हम दिखा दें कि ये चैम्बर है अतीक अहमद का, ये बैठका है, इसी में अतीक अहमद बैठता था, और इसी जगह से जो है ये बरामदगी हुई है। तो प्रयागराज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है यहाँ पर, और देखिए ये जो पूरा दफ्तर है ये छावनी में तब्दील है, और इस वक्त पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा के साथ साथ बड़ी संख्या में जो दूसरे अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरा अतीक अहमद के ऑफिस का हिस्सा है,
ये देख सकते हैं आप, ये पूरा आतिक अहमद के ऑफिस का हिस्सा है और अब से कुछ देर के पहले जो है वो पुलिस कमिश्नर की अगुवाई में यहाँ पर रेड मारी गई थी, रेड की गई थी और मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि यहाँ पर जो है इस तरीके की गतिविधियाँ चल रही हैं, कैश छिपा कर रखे गए हैं, दो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इसके साथ साथ जो है भारी मात्रा में वेपन्स बरामद हुए हैं और जो पकड़ा गया है उनमें से एक का नाम सोनू बताया जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।